किन्ने केड़े पासे कदों चले जाना आ तुसी पक्के तौर ते कुछ नहीं कह सकते। सौ नहीं चुक सकते किसी की कि हाँ भाई असी सौ खाने ये बंदा इधरले पासे नहीं जाएगा। इंडिया गठजोड़ दे वलों सानू सद्दा आ गया कि आओ साडे नाल, वो तो साफ तौर पर यही संकेत दिंदी है कि भाव वधाउण की कोशिश की जा रही है कि जे भाजपा वाले एनडीए वाले नहीं सद्दणगे सानू तां इंडिया वाले तो सद्दे दिंदे पए आ, एडे कमजोर असी है नहीं आ, सानू इंज ना मन्नियो। जिस तरीके नाल वन नेशन वन इलेक्शन नू अकाली दल ने समर्थन दिता है, बावजूद एदे के जिन्नियां खेतरी पार्टियां ने तकरीबन सारियां खेतरी पार्टियां दा विरोध ही कर रहियां ने, ओके पक्ष नहीं पूर रहियां, सूबियां दे हक्कां दे उत्ते इहनू डाका कहा जा रहा है, ते इह वी कहा जा रहा है कि एडी छेती संभव भी नहीं है, तुसी किद्दां कर लोगे, ते अकाली दल कहिंदा लै असी तां इस चीज़ दे नाल आ। उहदे तों लगा है कि हाँ सहमतियां तां जता दित्तियां गईयां, अपने वल्लों इशारा तां दे दित्ता गया, हुण इह जेकर हुण साफ हो ही गया कि आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस इकट्ठे गठजोड़ च होणगे, ते अगर हुण सुभाविक अकाली दल ते भाजपा दा गठजोड़ हो गया तो शायद इह गठजोड़ ज्यादा असर पावेगा पंजाबियां ते, इस उत्ते तुहाडा की कहना है? दीपिका जी उधरलियां भी संभावनावां लगभग बणदियां नजर आ रहियां ने, क्योंकि पिछले दिनां च जिस तरीके नाल वन नेशन वन इलेक्शन नूं अकाली दल ने समर्थन दित्ता आ, बावजूद इहदे कि जिन्नियां खेतरी पार्टियां ने तकरीबन सारियां खेतरी पार्टियां दा विरोध ही कर रहियां ने, ओके पक्ष नहीं पूर रहियां, सूबियां दे हक्कां दे उत्ते इहनूं डाका कहा जा रहा है, ते इह वी कहा जा रहा है कि एडी छेती संभव भी नहीं है, तुसी किद्दां कर लोगे, ते अकाली दल कहिंदा लै असी तां इस चीज़ दे नाल आ। उहदे तों लगा है कि हाँ सहमतियां तां जता दित्तियां गईयां, अपने वल्लों इशारा तां दे दित्ता गया, हुण इह गल किसे सिरे बन्ने लगदी है नहीं लगदी है सानूं नहीं पता, क्योंकि सियासत है दीपिका जी, सियासत दे विच किन्ने केड़े पासे कदों चले जाना आ तुसी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। सौ नहीं चुक सकते किसी की कि हाँ भाई असी सौ खाने ये बंदा इधरले पासे नहीं जाएगा। नाले पुराना गठजोड़ आ, तरद्दत तो चलते रहे ना हुण तक कि गठजोड़ हो जाए नेड़े आ जाए, वो तो कुछ शर्तां इहो जिहियां विच आण के खड़दियां नजर आ रही सीगियां जिहड़ियां शर्तां सूत नहीं आ रही सी। और एक गल होर, जिस तरीके नाल इह गल प्रचारी गई ना अकाली दल दे वलों कि इंडिया गठजोड़ दे वलों सानू सद्दा आ गया कि आओ साडे नाल, उह तां साफ तौर ते यही संकेत दिंदी है कि भाव वधाउण की कोशिश की जा रही है कि जे भाजपा वाले एनडीए वाले नहीं सद्दणगे सानू तां इंडिया वाले तां सद्दे दिंदे पए आ, एडे कमजोर असी है नहीं आ, सानू इंज ना मन्नियो। पर मामला अजे भी थोड़ा जिहा पेचीदा हैगा, क्योंकि हुण सुखबीर बादल होरी एक पासे ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਣਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਓ ਹੀ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਧਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਗਏ ਗੱਠ ਹੋਣੀ ਆ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, मतलब फिर तुहानूं चोणां दे विच दिलचस्पी भी पैदा होएगी, मुकाबला भी जबरदस्त होएगा, क्योंकि भाजपा दा ते अकाली दल दा जदों वोट बैंक सांझा होएगा तां फिर इह थोड़ा जिहा मजबूत होणगे, कमजोर नहीं होणगे। नाल बहुजन समाज पार्टी भी हैगी है, फिर इह सवाल रहना बहुजन समाज पार्टी नाल रहिंदी है नहीं रहिंदी है, जे रहिंदी है तां फिर इह तगड़ा तिन धिरां दा गठजोड़ होएगा, मतलब मिले कुछ ना मिले मुकाबला सख्त देण वाले ये बन जाएंगे। पर जे अकाली दल वक्री चोण लड़दा, भाजपा वक्री चोण लड़दी है, तो फिर आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस के गठजोड़ दीआं संभावनावां इहदे उत्ते सफलता दीआं टिकियां होणगीआं कि की कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी वाले कैंडीडेट नूं ट्रांसफर हुंदा, कि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कांग्रेस के कैंडीडेट नूं ट्रांसफर हुंदा, क्योंकि यही मतलब हुंदा गठजोड़ का। गठजोड़ का मतलब यह नहीं हुंदा कि सीटां वंड के चोण लड़ लैणी, गठजोड़ का मतलब यह भी होंगे कि तुसी अपनी वोट भी एक दूजे नूं ट्रांसफर करवानी होंगी है, तो जे उत्थे किते दरारां रह गईयां तो फिर गठजोड़ हो के भी वह कहिंदे मंग भी मंगी तो रही भी नंगी, फिर उदां दीआं स्थितियां भी दीपिका जी पैदा हो सकदियां ने।